कैसे हो आप सभी लोग, मेरा नाम है सोनू। आज की इस वीडियो में मैं आपका जो ध्यान है थोड़ा सा बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज पे ले जाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लाठी की प्रैक्टिस करते हो तो क्या आप इस तरह से करते हो कि आप सुबह मॉर्निंग में उठे और आपने डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर दी? नहीं ना। ऑब्वियसली आप सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स होती हैं, जो एक्सरसाइज होती है उनको करते होंगे, बॉडी एक्सरसाइज होती हैं उनको करने के बाद ही आप लाठी की प्रैक्टिस करते होंगे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि लाठी चलाने के लिए आपकी हाथों की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल आपकी रिस्ट होंगी, जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, उतनी ही फ्लॉलेस आपकी लाठी चलेगी, राइट? तो आज जो मेरा फोकस है वो इन कलाइयों के ऊपर है और आपकी जो है हाथों की मजबूती के ऊपर है कि आप अपने हाथों को मजबूत कैसे करोगे जिससे आपको लाठी सीखने में दुगना रिजल्ट मिलेगा और आप जल्दी से सीख पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बॉडी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी कलाइयों को मजबूत कैसे करोगे, अपने हाथों को कैसे मजबूत करोगे, और आपको इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है, ठीक है? बाकी एक्सरसाइजेस तो आपको करनी ही है, साथ में ये एक्सरसाइजेस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और इनको करना ही करना है अगर आप लाठी चलाते हो या सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे आपकी कलाइयां मजबूत होंगी और फ्लेक्सिबल बनेंगी। इसमें आपको जो है हाथों को कुछ इस तरीके से करना होगा, ठीक है? इसके बाद आपको जो है इनको प्रॉपर वे में ऊपर से नीचे की ओर रोटेट करना है, मूव करना है इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपको जो है डेली रूटीन में ऐड करनी है और इसको लगभग जो है 1 से 2 मिनट तक आप जो है कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी रिस्ट की एक्सरसाइज ये है, आपने जो इसमें अपने हैंड अपने हाथों का जो है पंच बनाना है। पंच बनाने के बाद आपको उसी तरह से इनको रोटेट करना है पूरी तरीके से। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको जो है लगभग 1 से 2 मिनट करना है और इससे जो आपकी कलाइयों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी जो कलाइयां मजबूत होने लगेंगी। दोस्तों, तीसरी जो एक्सरसाइज है वो हमें जमीन के ऊपर अपने हाथ कुछ इस तरीके से रखकर करनी होती है। इससे जो है आपकी कलाइयों की जो स्ट्रेंथ बढ़ गई है और डेफिनेटली आपको जो है आपकी कलाइयों में मजबूती नजर आएगी कुछ दिनों में। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप जो है डेली रूटीन में ऐड कीजिए। दोस्तों, आप अपने हाथों की मजबूती को बढ़ाने के लिए आप डेली पुशअप्स कर सकते हो, नॉर्मल पुशअप्स। जिस तरह से आप पुशअप्स में कंफर्टेबल हो तो उस तरीके से आप जो है पुशअप्स कीजिए। पुशअप्स से आपकी जो है हाथों की जो है मजबूती काफी ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको अपनी डेली रूटीन में जरूर से करनी है। दोस्तों, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको कर लेते हो तो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप हैंड स्टैंड कर लेते हो तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। इससे जो है आपके हाथों की मजबूती बहुत ही ज्यादा बढ़ती है और लाठी चलाने के अंदर आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस एक्सरसाइज से। तो हैंड स्टैंड तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही बेटर एक्सरसाइज है अगर आप लाठी सीखना चाहते हो और अगर आप लाठी की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाठी चलाने के लिए बताइए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, कमेंट में कोई भी सजेशन दीजिए, और जो भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर इंडियंस। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।